जय विजय एवरीवन। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। जय विज्ञान चिल्ड्रन, टुडे विल स्टार्ट विद चैप्टर 2, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हमें जब लेंथ को मेजर करना होता है कोई भी चीज, तो हम क्या यूज करते हैं, लेंथ देखते हैं। हमें अपना क्लोथ्स बनाना है, शर्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी लंबाई लेते हैं, कहाँ तक बनाना है, तो वी मेजर विद लेंथ, पहले हम लेंथ देखते हैं। ओके, पहले कभी भी ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे, बहुत पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे। वी यूज टू मेजर इन हैंड स्पैन, हम लोग ऐसे करके मेजर करते थे। ओके, या तो फिर क्यूबिक, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मेजर करते थे कि ये कितना लेंथ हो सकता है इन दिस वे। ओके, या तो पेस फूड के जो पैर होते हैं ना, वो दोनों के बीच में भी हम लोग ऐसे करके मेजर कर सकते हैं, दोनों फूड ऐसे रख के। ओके, कि यहाँ से यहाँ तक का कितने फूड आ रहा है। या तो क्यूबॉइड को भी इन दिस वे हम मेजर करते थे कि ये 2.5 है। ओके, तो इसमें क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे उनके छोटे हैंड्स होते हैं, तो उनके हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा आता था। ओके, जो बड़े होते थे उनके हिसाब से ये थोड़ा कम आता था। तो देयर वेर फाइटिंग अमंग द पीपल्स, झगड़े होने लगते थे। ठीक है, मैं बोलूँ मेरा सही है, आप बोलोगे आपका सही है। अगर आप कोई भी चीज मेजर करोगे तो आपका ज्यादा आएगा और मेरे हैंड के हिसाब से वो कम आएगा। ओके, सो इट वॉज डिफरेंट। ओके, इंडिविजुअल पीपल के इंडिविजुअल्स रिजल्ट आते थे। ओके, अलग अलग पीपल के अलग अलग रिजल्ट आते थे। सो देयर वर फाइटिंग, सो वन स्टैंडर्ड यूनिट केम आउट, दैट इज लेंथ एंड दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर। ये फाइटिंग को स्टॉप करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट निकला, वो यूनिट था मीटर एंड सेंटीमीटर। अगर हमें कोई बड़ी चीज का मेजर करना होता है तो वी विल यूज मीटर। ओके, कोई बड़ी चीज का हमें मेजर करना होता था तो वी वर गोइंग टू यूज मीटर, और कोई छोटी चीज के लिए हमें मेजर करना होता है तो वी विल यूज सेंटीमीटर। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, द एसआई यूनिट इज दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज एसआई। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द नल स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब ये सारे नल स्टैंडर्ड है वी वेर यूजिंग बिफोर, दैट इज हैंड स्पैन, क्यूबिक, फिंगर विथ एंड पेस। फिंगर विथ मीन्स यहां से हम लोग लेते थे। ओके, फिंगर विथ, अब वो मीटर ऐसा निकला कि 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, 1 meter 100 centimeter। अब क्या होता है कि अगर हम कोई शॉप पे जाते हैं, हमें क्लोथ्स बाय करना होता है, तो हम ये बोलते हैं 1 meter का कपड़ा चाहिए हमें। ओके, तो वो लोग इजीली 100 centimeter हमें निकाल के दे देते हैं, पर पहले तो झगड़ा होता था, आप बोलोगे मेरे को इतना ही चाहिए, पर उनके हिसाब से तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो अब स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, अगर हमें कोई छोटी चीज के लिए मेजर करना होता है तो वी यूज सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इरेजर को मेजर करोगे तो मीटर की स्केल में नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर की स्केल बड़ी होती है। फॉर स्मॉलर यूनिट वी यूज सेंटीमीटर, आपके पास जो स्केल है पेंसिल बॉक्स में, उससे आप अपना इरेजर को मेजर कर सकते हो कि वो 2 centimeter है, 1 centimeter है, 3 centimeter है। ओके, बट अगर आपको अपने रूम का लेंथ लेना है तो वी यूज मीटर, क्योंकि रूम बड़े में है, वी कैनॉट टेक सेंटीमीटर, छोटे छोटे कितने स्केल यूज करेंगे हम लोग।
No, so for the bigger unit we use meter and for the smaller unit we use centimeter. Okay, it is a bigger unit of length and it is used to measure the distance between the two place or the city. अगर आपको यहाँ से मोरबी से राजकोट जाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे मीटर नो सेंटीमीटर नो विल यूज किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर इज देयर इन लेंथ वी स्टडी थ्री यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर सो व्हेन डिस्टेंस की बात आए कोई भी टू डिस्टेंस की प्लेस की बात आए तो विल यूज किलोमीटर ओके 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू लर्न दिस 1 किलोमीटर 1000 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड वन मोर थिंग यू कैन टेक इट दैट और यू कैन राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर ओके अगर आपको स्मॉलर या बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाना है ओके बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाना है तो वी मल्टीप्लाई बट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जाना है तो हम डिवाइड करते हैं दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड अगर ये हो आपने लर्न कर लिया तो ये माइंड में याद हो गया है नाउ विल सी अबाउट द कन्वर्ट हमें कन्वर्ट करना है मीटर टू हंड्रेड मीटर टू सेंटीमीटर तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे विल सी सो नाउ वी विल डू Question number 1. Let us practice 2.3. Now, in 2.1 and 2.2, there is nothing. You have to write which object is in meter, which object is in centimeter. That you have to do by yourself. Okay. So, we'll start with let us practice 2.3. In 2.3, convert the following into centimeters. Aapko centimeters mein convert karna hai. Okay. Before converting into centimeter, we will know the unit. 1 meter is equal to 100 centimeter. So first we'll write in this way. 1 meter is equal to 100 centimeter. अब हमारे पास कितना है? 4 meter. तो हम 4 के साथ multiply करेंगे. 4 into 100 centimeter is equal to 400 centimeter. पहले हम ये दोनों को multiply करेंगे. 4 times 4. फिर दो जीरो है वो दो जीरो लगा लेंगे सो वी गॉट द आंसर एज 400 सेंटीमीटर इन द सेम वे विल डू द नेक्स्ट वन पहले हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर देन विल राइट 6 मीटर के लिए सो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 इनटू 100 इन ब्रैकेट सेंटीमीटर अब 6 वन्स आर 6 टू जीरोस आर देयर सो 600 सेंटीमीटर meter okay next 5 meter so first we'll always write for one thing 1 meter is equal to 100 centimeter so 51 meter is equal to 51 into 100 centimeter now we'll see with this 51 ones are 51 two zeros are there that will come down so 51 centimeter For 21, we'll do first 1 meter is equal to 100 centimeter. So 21 meter is equal to, in bracket we'll write 21 into 100 bracket close centimeter. So 21 ones are 2100 centimeter. Okay, it is very easy. फर्स्ट विल राइट अबाउट 1 मीटर देन विल डू अबाउट द 4 जितना दिया पहले हम 1 का लिखेंगे उसके बाद हम जो क्वेश्चन में है उसका फाइंड करेंगे नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर नाउ विल सी द नेक्स्ट वन equal to 100 centimeter then it is given in 4 meter so 4 meter is equal to
4 × 100। ओके, अब ये 60 थी पहले से सेंटीमीटर में, तो उसको हम ऐड कर देंगे प्लस 63 सेंटीमीटर। सो 4 × 4, इसमें दो जीरो है, दैट विल ब्रिंग नाउ। सो 400 + 63 = 463 सेंटीमीटर। दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, पहले हम 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लिखे, फिर ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 4 मीटर = 4 × 100, 400 + 63 का 63, तो 463 सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल सी अबाउट क्वेश्चन नंबर डी। 8 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर विल ऑलवेज फाइंड फॉर 1। सो विल राइट हियर फर्स्ट 1, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। सो 8 मीटर = 8 × 100 सेंटीमीटर प्लस, ये पहले से सेंटीमीटर में तो इसको हम ऐड करेंगे, सो 14 सेंटीमीटर। सो 8 × 1 = 8, 2 × 0 है, तो 800 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर = 814 सेंटीमीटर। दिस इज दी आंसर। ओके, यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर प्लस। ओके, वी ऑलवेज हैव टू राइट दी यूनिट्स, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा इसके लिए। ओके, नेक्स्ट विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। Now we'll do F number, that is 74 meter 2 centimeter, and we'll do H number, 6 meter and 75 centimeter. Okay, mode 2 we will do. First we'll always write for 1, aapko question nahi, pehle aapko 1 thing ke liye likhna hai, means 1 meter is equal to 100 centimeter, ye aap jitni baar likhoge aapko learn bhi ho jayega। देन हम देखेंगे ये मीटर में है, तो कितना है 74, सो 74 मीटर = 74 × 100 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। अब ये पहले से दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम ऐड करेंगे। सो 74 × 1 = 74, ये दो जीरो नीचे आ जाएगा, प्लस 2 सेंटीमीटर। नाउ अब 7400 + 2 = 7400 2 सेंटीमीटर, ये आपको आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट, पहले ये 6 है तो फर्स्ट विल फाइंड अबाउट 1, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। सो 6 मीटर = 6 × 100 सेंटीमीटर = प्लस, ये 75 है उसको हम ऐड करेंगे, 75 सेंटीमीटर। सो 6 × 6 = 600 सेंटीमीटर + 75 सेंटीमीटर = 675 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, फर्स्ट विल ऑलवेज फाइंड फॉर 1 मीटर, देन जो क्वेश्चन में दिया होगा विल फाइंड अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब हमें दोनों में फाइंड करना है, ओके, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें दोनों में फाइंड करना है, पहले तो एक यूनिट में फाइंड करना था, दो यूनिट में फाइंड करना है, तो विल डू डिवाइड। फर्स्ट विल राइट 1 cm = 1/100 meter, 1 cm = 1/100 meter। ओके, सो अब हमारे पास 800 है,
So 800 centimeter is equal to 800 by 100. Okay. अब क्या करेंगे हम? दो जीरो है तो पीछे से फ्रॉम द राइट हैंड साइड विल लीव टू जीरो एंड विल पुट द डॉट. मीन्स यहाँ पे डॉट आया. सो डॉट के पहले इज मीटर एंड डॉट के बाद इज सेंटीमीटर. डॉट जैसे हम रुपीज और पैसे में करते थे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से हम दो डिजिट को छोड़ के डॉट लगाते थे. तो डॉट के पहले रुपीज एंड डॉट के बाद पैसे. हियर ऑल्सो विल डू इन द सेम वे. दो जीरो होते हैं तो पीछे से फ्रॉम द राइट हैंड साइड से आपको दो डिजिट को छोड़ देना है एंड यू हैव टू पुट द डॉट. डॉट के आगे मीटर हो जाता है, डॉट के बाद वाला सेंटीमीटर. नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. इफ यू सी द नेक्स्ट वन विल सी डी नंबर दैट इज 1200 सेंटीमीटर. ओके, पहले हम वन के लिए फाइंड करेंगे. तो विल राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. So we have 1200 centimeter. So we'll write here 1200 by 100. 1200 by 100. अब ये दो जीरो है तो पीछे से from the right hand side दो डिजिट को छोड़ के we'll put dot. तो dot के पहले क्या आया? Meter. And dot के बाद क्या आया? Centimeter. Dot के पहले meter, dot के बाद centimeter. We'll see next two examples. We'll see next two examples. Okay. Now we'll see F number. 1108 centimeter, and we'll see H number that is 9304 centimeter. Okay, we'll see two questions now. And two questions are in this way. Okay. Now, see here what you have to do. Now, what we have to do? We have to convert into meter and centimeter. Okay. So, first, we will write about 1 centimeter. Centimeter ki baat chal rahi hai, toh pehle hum 1 ka likhenge. 1 by 100 meter. 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. So 1108 centimeter is equal to 1108 by 100. Now, दो जीरो है, राइट साइड से दो डिजिट को छोड़ के डॉट, मीन्स 11 के बाद. तो 11 मीटर 08 सेंटीमीटर. देन इन द सेम वे विल डू द एच नंबर. ये भी सेंटीमीटर में है, मतलब फिर हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. सो 9304 सेंटीमीटर इक्वल टू 9304 बाय 100. मीन्स दो जीरो है, दो डिजिट के पहले लास्ट के दो डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे? डॉट. सो 93 मीटर एंड 04 सेंटीमीटर. सो जब हम कन्वर्ट इन टू मीटर करते थे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लेते थे. अब जब हमें दोनों में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट अस प्रैक्टिस 2.3. नाउ वी विल डू लेट अस प्रैक्टिस 2.4. नाउ वी विल डू लेट अस प्रैक्टिस 2.4. इन 2.4 we have to add it, and we always start with centimeter and we'll always start with the right hand side. 8 plus 6 after 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 4, 1 carry. 0 plus 0 plus 1 will give you 1. 9 plus 2, 11. 4 plus 2, 5, 6 plus 1, 7. So we got the result 71 meter and 14 centimeter. Okay. Now we'll do question number 6. Okay. First we'll do question number 4. Okay. Now we'll always start with the right hand side. Now 7 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 9, 1, carry. Okay. 7 plus 2, 9 plus 1,
10, 10 plus 7, 17. 17 का 7, 1 हम दे देंगे कैरी मीटर में. 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11 plus 2, 12, 13. So 3, 1 will give carry to the next number. So 9 plus 1, 10, 10 plus 2, 12 plus 1, 13. अब हम 13 यहाँ पे लिख देंगे. Okay. So we got 133 meter and 79 centimeter. Okay. Now we'll do question number 6. 5 plus 5, 10. 10 plus 2, 12. So 2, 1 carry. 7 plus 1, 8 plus 1, 9. 9 plus 4, 10, 11, 12, 13. So 3, 1 carry. 9 plus 1, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 1, 17. 7, 1 carry. 4 plus 1, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 1, 9. 2, 3, 4. So we got the answer 497 meter and 32 centimeter. Now we'll do the next. Next, arrange in column and head. Arrange in column and head. Now we will arrange this in column and we will add it. Okay. Arrange in column and add. Now we'll see 7 number. Okay. 54 meter, 75 centimeter, and 62 meter and 31 centimeter. And 31 centimeter. First we'll do question number 7. Now meter and centimeter diya hai, so we'll write here meter and centimeter. Do column ho gaya meter and centimeter ka. Add diya hua hai. Okay, first hai 54 meter. So meter ke niche hum likhenge 54. Aap yahan pe box chhod dena hai add karne ke liye number. 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे 75 एंड प्लस की साइन 62 मीटर, मीटर के नीचे 62, 31 सेंटीमीटर, मीटर के सेंटीमीटर के नीचे 31. ओके, नाउ विल ऐड 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 3 10, तो 0 1 हियर, क्योंकि सेंटीमीटर में 2 डिजिट ही होते हैं, 2 0 सो 2 डिजिट. नाउ 4 plus 1, 5 plus 2, 6, 7. 6 plus 5, 11. 6 plus 5, 7, 8, 9, 10, 11. So we got the answer as, hamein answer kya mila? 117 meter and 06 centimeter. We got the answer as, 117 meter and 06 centimeter. Okay, now we'll do question number 10. Now we will do question number 10. In question number 10, it is given 86 meter, 50 centimeter, 64 meter, 70 centimeter, 28 meter and 40 centimeter. Okay, so we'll add it. Okay, now first we'll write meter and then we'll write centimeter. First we'll write meter and then we will write centimeter. Now 86 meter means meter ke niche 86, 50 centimeter means centimeter ke niche 50, add a plus ki sign, 64 meter, meter ke niche 64, 70 centimeter plus 28 meter is meter ke niche, 40 centimeter centimeter ke niche. Ab hum usko add karenge. 0 will give you 0. Okay. 5 plus 4, 9. 9 plus 7 will give you 16. 6, 1, carry. Okay. Now 8 plus 1, 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 4, 19. Okay. Now 8 plus 2, 10, 10 plus 6, 16 plus 1, 17. So we got the answer as 179 meter and 60 centimeter.
ओके इट इज वेरी इजी. फर्स्ट मेक द कॉलम एंड क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कॉलम के नीचे लिखते जाओ. सो वी हैव फिनिश्ड हियर. लेट अस प्रैक्टिस 2.4 आल्सो. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज लेट अस प्रैक्टिस 2.5. अब 2.5 में व्हाट वी विल डू, वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. इन 2.5 वी विल सबट्रैक्ट इट. ओके नाउ सी इन 2.5 व्हाट इज गिवन. Okay. Subtract, you can do it. So we'll do find the difference between. Find the difference between. Okay, we'll do find the difference between. Okay. Now we'll start with question number 7. We'll do question number 8. 6 meter, 70 centimeter and 20 meter. Okay. So, first we'll write meter as centimeter and difference means minus. Okay. Now, and अब difference में क्या होता है? Subtract में जो बड़ा number होता है, we'll take first. यहाँ पे 6 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर में या 20 मीटर है. सो 20 मीटर इज बिगर. सो 20 इसके साथ सेंटीमीटर नहीं है. सो विल टेक 0 0. सो विल टेक 0 0. ओके नाउ डिफरेंस मीन्स माइनस. 6 विल ऑलवेज राइट 0 6, सिंगल डिजिट है तो उसके आगे 0. नाउ दिस इज 70, विल राइट 70. ओके नाउ 0 माइनस 0 विल गिव यू 0. नाउ 0 से 7 जाएगा, नो विल कट एंड विल राइट द सेम नंबर. नाउ नॉक टू द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी 0 है. अब ये क्या करेगा, विल बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट वन. इसके पास 2 था, इसने 1 दे दिया. नाउ हाउ मच इज रिमेनिंग, 1. नाउ दिस 10 विल गिव यहाँ पे. ओके सो यहाँ पे हो जाएगा 9. सो 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1. सो वी गॉट द रिजल्ट 13 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर. सो वी गॉट द रिजल्ट एज 13 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट द लास्ट वन वी विल डू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Next we'll do question number 10. Now we'll do question number 10. 31 meter and 8 meter and 86 centimeter. 31 meter and 8 meter and 86 centimeter. So we'll write first meter, centimeter. अब यहाँ पे 31 पहले बड़ा है, सो विल टेक 31 मीटर है बट सेंटीमीटर नहीं है. सो विल टेक 0 0 सेंटीमीटर. डिफरेंस की बात है माइनस, सिंगल डिजिट. सो 0 8 एंड सेंटीमीटर में 86. ओके नाउ विल सब्ट्रैक्ट इट. 0 से 6 जाएगा, नो. अब नेक्स्ट नॉक टू द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी 0 है. सो विल पुट 0. नॉक टू द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे 1 था, इसने 1 यहाँ पे दे दिया. अब यहाँ पे कितना हो गया, 10. विल कट एंड राइट हियर एंड विल टेक हियर 10. सो 10 माइनस 6, आफ्टर 6 7 8 9 10. सो वी गॉट 4. 9 माइनस 8 विल गॉट 1. अब 0 से 8 तो नहीं जाएगा, विल नॉक टू द नेक्स्ट नंबर. सो 10 माइनस 8 विल गिव यू 2 एंड 2 माइनस 0 विल गिव यू 2. So we got the result as 22 meter and 14 centimeter. Now we got the result as 22 meter and 14 centimeter. So we have finished here. Let us practice 2.5. आपको लग रहा होगा ज्यादा है बट ज्यादा नहीं है. आपके पास पूरा वीक होता है, यू कैन कंप्लीट इट. ओके टिल दैट बाय.